खनिज संसाधनों से समृद्ध राज्य, मनोरम पर्यटन स्थल झारखंड से कक्षा 12वीं की निशा अग्रवाल अपना प्रश्न माननीय प्रधानमंत्री जी से पूछना चाहती हैं। कुड वी हैव द क्वेश्चन प्लीज। कक्षा 12वीं संदललाल स्मृति विद्या मंदिर घाटशिला झारखंड की छात्रा हूँ। मेरा माननीय प्रधानमंत्री जी से यह सवाल है कि बोर्ड एग्जाम्स आ रहे हैं, साथ ही साथ मैं यूपीएससी, जेईई और पीएमटी जैसे एग्जाम्स के बारे में भी सोचती हूँ, लेकिन इन एग्जाम्स में कभी कभी सफलता नहीं भी मिलती है। कृपया इस बारे में हमारा मार्गदर्शन करें, धन्यवाद। धन्यवाद निशा। मान्यवर, आपका कोटि कोटि आभार कि आपने हमारे मन के अनेकानेक प्रश्नों एवं हमारी जिज्ञासा का समाधान किया। आप जैसे दूरदृष्टा प्रधानमंत्री को सुनकर जी ही नहीं भरता, फिर भी आपके अमूल्य समय को ध्यान में रखते हुए परीक्षा पर चर्चा 2020 के अंतिम प्रश्न हेतु मैं आमंत्रित करता हूँ पांच नदियों का प्रदेश, गुरुओं की भूमि, पंजाब के जीजीएससी मलुका भटिंडा से अरदीप कौर, कक्षा 12वीं की छात्रा को, जो माननीय प्रधानमंत्री जी से अपने प्रश्न का समाधान चाहती हैं। अरदीप, अपना प्रश्न पूछिए। सत श्री अकाल सर, मैं अरदीप कौर, गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल मलुका, 12वीं कक्षा की छात्रा, पंजाब से हूँ। सर, मैं बोर्ड के एग्ज़ामों में तो अच्छे अंक ला सकती हूँ, लेकिन सर जब बात कंपटीशन एग्ज़ाम की आती है तो मैं चिंतित हो जाती हूँ, घबरा जाती हूँ। इस विषय में मैं आपसे सलाह लेना चाहती हूँ, धन्यवाद। धन्यवाद अरदीप। महोदय, अरदीप व निशा की जिज्ञासा पर मार्गदर्शन करें। सत श्री अकाल। मेरा आप सबसे आग्रह है, इसलिए नहीं कि वो किताब मैंने लिखी है, लेकिन जिन्होंने ये सवाल पूछा है उनसे मैं ज़रूर आग्रह करूँगा कि हो सके तो इसी दो दिन में आप परीक्षा पर चर्चा, एग्ज़ाम वॉरियर मेरी जो किताब है, एक्चुअली वो मेरी नहीं है, आप ही लोगों के द्वारा धीरे 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 पनपती जा रही है वो किताब, नए नए पहलू जुड़ जाते हैं, आप लोग उसको दो बार पढ़िए, आने वाले दो तीन दिन में दो बार पढ़िए, आपको कोई सवाल नहीं रहेगा कि 12th तक तो अच्छा करने के बावजूद भी आगे के एग्ज़ाम का तनाव रहता है। ये तनाव किस चीज़ का है? तनाव आपको माइन्यूटली, और मैं मानता हूँ जो 12th के बच्चे हैं उसको समझ सकते हैं बड़ी अच्छी तरह, ये तनाव एग्ज़ाम का नहीं है। जो तनाव आप अनुभव कर रहे हैं और जिसको आप एग्ज़ाम का तनाव कहते हैं, वो एग्ज़ाम का तनाव नहीं है। वो तनाव आपके अंदर एक मन में एक एम्बिशन पड़ा हुआ है, एक आकांक्षा पड़ी हुई है कि मुझे ये बनना है। उस बनने के लिए ये एग्ज़ाम मेरे लिए जीवन मरण का मुद्दा है। अगर मैं विफल रहा या विफल रही तो आगे के सारे दरवाजे बंद हो जाएंगे। आपको एग्ज़ाम की सफलता का टेंशन नहीं है, आपने खुद को एक करियर के साथ जो आइडेंटिफाई कर दिया है, मुझे ये बनना है, बनने के लिए ये रास्ता है, इस रास्ते पर मैं नहीं पहुंच पाया तो मैं शायद जीवन में निकम्मा हो जाऊंगा, ये टेंशन है। अगर आप एग्ज़ाम वॉरियर किताब पढ़ेंगे तो उसका बहुत सरल उसमें जवाब है कि आप, और मैं अपने जीवन के लिए हमेशा कहता हूँ कि हम कभी भी बनने के सपने न पालें। बनने के सपनों में हर पल निराशा की संभावना रहती है कि हमने ये बनना चाहा, नहीं बन पाए तो जैसे जिंदगी विफल। लेकिन अगर कुछ करने के सपने देखें तो जो भी करेंगे उसे अच्छा करने का मन करेगा, और इसलिए जीवन को बनने के सपनों से जोड़ने के बजाय
कुछ करने के सपनों से जोड़ना चाहिए। अगर कुछ करने के सपनों से जोड़ोगे, तो आपको कभी भी ये एग्जाम का प्रेशर नहीं रहेगा। ये सिर्फ एक खिड़की है, एक दरवाजा है जो आगे जाने के लिए रास्ता खोल रहा है, लेकिन आगे जाकर के एक ही रास्ता नहीं है, ढेर सारे रास्ते हैं, अनेक क्षेत्र हैं। पूरा विश्व मेरे सामर्थ्य को स्वीकार करने के लिए तैयार है। अगर ये मिजाज रहा तो मुझे विश्वास है कि आपको इसका तनाव कोई नहीं रहेगा।